तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने वाला विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। दरअसल 10 जून को एनसीपी के अध्यक्ष ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अब भी एनडीए का हिस्सा हैं। हमने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट से कम कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारणे ने यह भी कहा कि हमने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 7 सीटें जीती है। हमें एक कैबिनेट मंत्री के साथ एक राज्य मंत्री पद का भी दिया जाना चाहिए था। लगता है बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं अब दोनों बयान ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में सरकार चला रही महायुति यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली, अब मिनिस्ट्री के बंटवारे पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नाराज हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे शिवसेना के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने 185 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर एक लोकसभा सीट को विधानसभा की 6 सीटों के बराबर माने तो ये टारगेट मुश्किल नहीं होगा। वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनडीए से अलग होते हैं तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से एनडीए को करीब 48 सीटों का नुकसान होगा।